अब ध्यान दें बच्चों कि यदि ए एक वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो है तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो बच्चों आप ध्यान दें कि ए एक वर्ग आयु है और डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो हो तो ए को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। और यदि डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स जीरो नहीं है, डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं है, यदि डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं है तो ए को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कुल मिला के आपने ये सीखा कि हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, 2x2 ऑर्डर का हो, 1 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, n x n ऑर्डर का हो, यदि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और यदि डिटरमिनेंट की उस मैट्रिक्स के जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस तथ्य को, इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि एक एग्जाम्पल है, ए बराबर 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और रो 1 में 1 3, रो 2 में 2 6 आपको दिखाई दे रहा है, 1 3 2 6, उसका डिटरमिनेंट ए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो डिटरमिनेंट 1 3 2 6 होगा, और हिंदी का 4 बना के आप जब इसको हल करते हैं तो 1 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6, -2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, तो 6 -6, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इक्वल टू 0 आपको कैलकुलेट होते दिख रही है। तो स्पष्ट है समीकरण 1 से कि जो आयु है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमें 0 कैलकुलेट होते दिखाई दे रही है, और आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। अब दूसरे एग्जाम्पल पर आप ध्यान दें, वो भी एक बी मैट्रिक्स है। यदि बी बराबर, मैं रो 1 में 1 3 और 1 6 पढ़ रहा हूं, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट कैपिटल बी मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकालू तो डिटरमिनेंट 1 3 1 6 होगा, और हिंदी का 4 बनाते हुए उसको हल करें तो 6 कम 6, 1 गुणा 6, -1 गुणा 3, तो 6 कम 6, 6 ऋण 1 3 6 ऋण 3, 6 ऋण 3 यानी 3, डिटरमिनेंट कैपिटल बी इक्वल टू आपको 3 नजर आ रही है, तो डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 3। डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 3 है जो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, अतः हम बी को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब आगे हम प्रतलोम आयु की चर्चा करेंगे, बच्चों उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आपने सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में समझा, और वो वर्ग आयु के रूप में समझा, उसका डिटरमिनेंट आपने कैलकुलेट किया। इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यदि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो वो सिंगुलर होता है, यदि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे कि ए में आपने देखा 1 3 2 6, इसका डिटरमिनेंट देखा आपने 0, और बी एक मैट्रिक्स देखा 1 3 1 6, इसका डिटरमिनेंट आपने देखा 3 आया था जो 0 नहीं है, तो वो नॉन बी को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और ए को इस एग्जाम्पल में आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे 3x3 ऑर्डर का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो बच्चों अब आगे की चर्चा में हम काफी महत्वपूर्ण
चैप्टर आपका है वो है किसी आयु का, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, प्रतिलोम आयु। प्रतिलोम आयु आगे हम प्रतिलोम आयु इनवर्स मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक ए एक वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी ये वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो छह तथ्य आपको बताए थे, फंडामेंटल कंसेप्ट बताए थे, उसमें छठवें नंबर का जो फॉर्मूला था ए इंटू इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई बराबर उल्टा कर दिया जाए इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये बराबर होता है। अब यदि मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं, सिंप्लीफाइड करता हूं, तो डिटरमिनेंट ए का हम भाग दे दें दोनों पक्षों में, तो डिटरमिनेंट ए का भाग देने से हमें जो रिलेशन ऊपर का आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो ए इंटू इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए बराबर आई बचा, बराबर डिटरमिनेंट ए का भाग हम सभी पदों में दे रहे हैं, इसलिए इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होगा इनटू ए। अब इस स्टेप को आगे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो ए इनटू इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए बराबर आई क्या होता है बच्चों, आई किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हो जाता है, यानी I बराबर A इंटू A इनवर्स होता है या A इनवर्स इंटू A होता है। तो I के स्थान पर हम लिख रहे हैं A इंटू A इनवर्स, और बराबर या तो हम A इनवर्स A लिख सकते हैं क्योंकि I का मतलब A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A होता है, और बराबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट A इन ब्रैकेट लिखा है इनटू ए। इस ऊपर के स्टेप को आपको देखकर स्पष्ट नजर आ रहा है कि यदि मैं ए के कोफिशिएंट की तुलना सभी पदों में ध्यान से करूं, तो इस स्टेप को देखकर आपको नजर आ रहा है कि ए का जो गुणांक है वो ए इनवर्स है कि नहीं बीच के पदों में, और ए का जो गुणांक है वो एडजॉइंट ऑफ ए इन ब्रैकेट में जो लिखा है अपॉन डिटरमिनेंट ए है, तो इससे स्पष्ट है अतः ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। इस सूत्र का उपयोग हम किसी भी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आयु है, उसके प्रतिलोम ए इनवर्स को निकालने में हम उपयोग करेंगे। कुछ ए इनवर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको ध्यान रखते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बोर्ड परीक्षा में आपको काफी मदद मिलेगी। तो ए इनवर्स पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फंडामेंटल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। नंबर एक में आप देख रहे हैं इन ब्रैकेट ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और सेकेंड सूत्र में आप देख रहे हैं यदि ए बी सी तीन कैपिटल लेटर में लिखा है, तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है और उसका इन ब्रैकेट ए बी सी का इनवर्स करें, यानी घात माइनस वन है, तो वो इक्वल होगा सी इनवर्स, सी का प्रतिलोम आयु इंटू बी इनवर्स यानी बी का प्रतिलोम आयु ए इनवर्स यानी ए का प्रतिलोम आयु के गुणनफल के बराबर होगा। यानी सेकेंड सूत्र में मैं स्पष्ट रूप से पढ़ दूं, ए बी सी इनवर्स इज इक्वल टू सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, उल्टा हो जाएगा बच्चों। और थर्ड सूत्र में आप देख रहे हैं इन ब्रैकेट ए इनवर्स का इनवर्स, यानी किसी इनवर्स मैट्रिक्स का फिर से हम इनवर्स निकाले तो पुनः हमें पूर्व वाला मैट्रिक्स मिलेगा ए जिसका हमने इनवर्स निकाला था। सूत्र नंबर तीन को मैं पढ़ रहा हूं, अभी मैंने समझाया था कि इन ब्रैकेट ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स, थर्ड को मैं पढ़ रहा हूं कि इन ब्रैकेट ए इनवर्स
का इनवर्स बराबर ए। और चौथे सूत्र में फिर पुनः ध्यान दे, जिसका उपयोग बारंबार कई प्रश्नों में होता है, ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है आई, बराबर ए इनवर्स इंटू ए भी हो सकता है। यदि मैं ए इंटू ए इनवर्स कैलकुलेट करूं तो वो यूनिट मैट्रिक्स आई होगा, और ए इनवर्स इंटू ए करूं तो भी वो आई होगा। यानी चौथे सूत्र को मैं पढ़ रहा हूं, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए। और पांचवा सूत्र भी काफी महत्वपूर्ण है, वह है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है वन अपॉन डिटरमिनेंट ए। आप ये मत समझना ये घात में है तो अपॉन में होगा, हो गया ये। आप ये नहीं समझेंगे कि ये घात में है तो अपॉन में हो गया, ये है डिटरमिनेंट ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम आयु का यदि मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो वो होगा उस ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के प्रतिलोम का। यदि किसी प्रश्न में इस पांचवें सूत्र की महत्ता यदि मैं कहना चाहूं इस पांचवें सूत्र में, यदि आपको ये पूछे कोई कि कोई मैट्रिक्स दे दे और आपसे पूछे डिटरमिनेंट ए इनवर्स निकालो, तो आप केवल डिटरमिनेंट ए निकालना और उसका उल्टा कर देना, क्योंकि डिटरमिनेंट ए कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसका वन अपॉन डिटरमिनेंट ए में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू रख देना, तो आपको इतने सारे कोफैक्टर्स नहीं निकालने पड़ेंगे, आपको ए इनवर्स नहीं निकालने पड़ेंगे। तो पांचवा सूत्र काफी महत्वपूर्ण हुआ बच्चों, कि डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर वन अपॉन डिटरमिनेंट ए। और छठवां सूत्र, यदि ए बराबर, यदि ये एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है जिसके मुख्य विकर्ण के अनुदिश अवयव ए बी सी नजर आ रहे हैं, बाकी शेष अवयव जीरो हैं, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, सी नॉट इक्वल टू जीरो है, इस शर्त को का पालन करते हुए यदि मैं डायरेक्ट आपको ए इनवर्स इसका बताऊं, तो बिना कैलकुलेशन के बच्चों मैं कह सकता हूं कि ए इनवर्स बराबर वन अपॉन ए, डायगोनल में वन अपॉन बी और वन अपॉन सी, बाकी शेष एलिमेंट जीरो 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 होंगे। यानी कुल मिला के छठवा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हुआ बच्चों। यदि मैं किसी कांस्टेंट अचर मैट्रिक्स का आयु का जिसके मुख्य विकर्ण के अनुदिश जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो ना हो, ए बी सी हो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यदि इसका मैं प्रतिलोम आयु निकालना चाहता हूं सीधे बिना एडजॉइंट निकाले, बिना डिटरमिनेंट ए निकाले, तो मैं यहां ये कहूंगा कि वो ए इनवर्स बराबर होगा सीधा ए का उल्टा वन अपॉन ए कर दो, बी का उल्टा वन अपॉन बी कर दो, सी का उल्टा वन अपॉन सी कर दो। यानी ए इनवर्स के जो मुख्य विकर्ण के अनुदिश एलिमेंट्स है वो वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी है, शेष अवयव जीरो है। तो काफी इंटरेस्टिंग बात इसमें नजर आ रही है, लेकिन शर्त यह है बच्चों कि इसका जो मुख्य विकर्ण के अनुदिश ए बी सी जो अवयव है एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों हमने कोई इक्वेशन दिया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है बच्चों, यदि ए बराबर 2-1 और -1, 2, रो वन को मैंने पहले पढ़ा अवयवों को, रो वन के अवयव है 2-1, रो टू पंक्ति 2 के अवयव है -1, 2, ये 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए बराबर 2-1, -1, 2, और इकाई आयु यूनिट मैट्रिक्स दो ऑर्डर का ही होगा आई, कोटि दो ऑर्डर के आयु इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a-3i हो, तो ए इनवर्स ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब हम कुछ नए लॉजिक पर, नए आइडिया को लेकर आपके सामने
एक क्वेश्चन नंबर 10 हम रखने जा रहे हैं। और आपको मालूम है बच्चों कि कोई इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसमें हम आपसे प्रथलोम मैट्रिक्स के बारे में संबंध में हम बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है इस पर विशेष ध्यान देना होता है हमेशा। तो ए इज इक्वल टू, हमें ये मालूम है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 -1 -1 2, ये दो ऑर्डर का, दो कोटि का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू। और ये साथ ही साथ हमें एक इक्वेशन भी दिया हुआ है कि यदि ए स्क्वायर माइनस या इक्वल टू दिया है 4a-3i, आई उसी ऑर्डर का, दो ऑर्डर का इस यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आयु है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इसके हेल्प से, इसकी सहायता से ए इनवर्स उसका हमें कैलकुलेशन करना है। ये तय है कि बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए इनवर्स जो है, यदि लॉजिकली हम बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। लेकिन समीक इस क्वेश्चन में कुछ घुमाव वाली बात कहूंगा मैं, वो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसके हेल्प से हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, अदरवाइज हम इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। इसका वेरिफिकेशन भी आपको मैं बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इक्वेशन के जरिए, समीकरण 2 के जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें गिवन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो 4a-3i है। अब हम इसमें दोनों पक्षों में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो कांस्टेंट है, ए इनवर्स इंटू ए माइनस 3 कांस्टेंट है, ए इनवर्स इंटू आई, दोनों पक्षों में मैंने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और इसको यदि मैं सिंपलीफाई करता हूं तो ए इनवर्स इंटू ए, और ए स्क्वायर में से ए मैंने ले लिया और ए बाहर, इज इक्वल टू, ये मालूम है कि ए इनवर्स इंटू ए वो होता है आई, ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, और माइनस 3 ए इनवर्स का यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स ही आएगा। यानी कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि आपको ए इनवर्स इंटू ए मालूम होना चाहिए, ये उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा, ऐसा नहीं कि ए से ए कट गया। कुछ बच्चे इस रूप में समझते हैं कि 1/a हो गया, इंटू ए हो गया, ये कट गया, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, उसका उसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा, ये प्रोसेस है। तो हम इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं, तो ये आई है इंटू ए है इज इक्वल टू 4i-3 ए इनवर्स। आप ए इनवर्स इंटू आई लिखा है, यहां ए इनवर्स मैंने लिखा है, ये भी आप बता दीजिए कि ए इनवर्स इंटू आई किसी मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स फिर से हमें मिल जाएगा। तो ए इनवर्स आई के जगह ए इनवर्स हम लिखेंगे, और एक्चुअल में ए इनवर्स ही रिक्वायरमेंट है। तो सवाल ही उठता कि मैं फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आई इंटू ए होगा इज इक्वल टू 4i होगा माइनस 3 ए इनवर्स होगा। हमें इनवर्स निकालना है, इसलिए ये माइनस 3 ए इनवर्स को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई होने पर 3 ए इनवर्स इज इक्वल टू 4i-a होगा। और यदि हम इस कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 आई का मतलब क्या है, इस दो ऑर्डर का ही हमें
यूनिट मैट्रिक्स लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम हमें जो गिवन है वो दो ऑर्डर के दो कोटि का एक मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पर हम यूनिट मैट्रिक्स दो ऑर्डर का ही लेंगे, और माइनस जो ए है, जो हमें ए मिल रहा है, वो ए क्वेश्चन नंबर वन के थ्रू क्लियर कट दिख रहा है कि ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2-1-1-2। अब इस मैट्रिक्स को आपको मालूम है ये दो ऑर्डर का है, ये भी दो ऑर्डर का है, और फोर कांस्टेंट है, चार सभी एलिमेंट्स में इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 4 0 4 1 जा 4 0 1 जा 0 0 और 4 1 जा 4, और माइनस ऑलरेडी है, और ये ए जो मैट्रिक्स है वो वन में गिवन है, उसको मैंने उतार दिया है। ये देखिए ए की वैल्यू सेम इसके जैसे है, और इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से नोट कर लें। तो मुझे कुल मिला के 3A इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है इसमें, आपको मालूम है ये 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके संगत अवयव A11 पोजीशन 4 में से 2 घटा तो हमें 2 मिलेगा, और 0 में से माइनस माइनस प्लस, तो जुड़ा संगत अवयव को हम जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, हालांकि घटा रहे हैं तो ये 1 आएगा, 0 में से माइनस माइनस प्लस 1 ये 1 आ जाएगा, और 4 में से माइनस ये संगत अवयव 2 है, जो ए 2 पोजीशन पर है, ये A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, ऐसा हम संगत अवयव को हम घटाते हैं, और दो मैट्रिक्स तभी घटाए जा सकते हैं जब वो समान ऑर्डर के हों, और उनको उनके संगत अवयवों को ही घटाया जाता है। 4 में से 2 को घटाया जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिला, तो कुल मिला के हमें ए इनवर्स की वैल्यू अब मिल रही है, ए इनवर्स इज इक्वल टू हमें मिला, ये 3 का भाग दे दें 1/3, और ये क्या है 2 1 1 2, ये इसका आंसर है यदि मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर फार्मूला तो ए इनवर्स का ये है जो आप बाजू में बताए हो, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, और ए का जब मैं एडजॉइंट लूंगा या पहले मैं डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन कर लूं, तो डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, 2-1-1-2 है ये डिटरमिनेंट में, 2×4 हिंदी का 4 बनाते हुए, 2×4 माइनस 4×4, तो ये 3 मिला, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमें 3 मिली, और एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेशन करके देखें इसका, तो डायरेक्ट मैं कहूंगा इसको इंटरचेंज कर दो, पहले गिवन पर ध्यान दीजिए, ये 2 और 2 इंटरचेंज हो गए, ये चौथे पोजीशन का अवयव इधर आ गया, और इसको इधर इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये ज्वाइंट की तरीका है, इसको इंटरचेंज किया जाता है, और जो मुख्य विकर्ण के अवयव को इंटरचेंज कर देते हैं, एक दूसरे के स्थान पर बदल देते हैं, और जो चिन्ह जो बचे हुए शेष अवयव हैं उसको ऋण का धन कर देते हैं, यानी ऋण का धन एक हो जाएगा और ये धन एक हो जाएगा, यानी समीकरण एक से हम एडजॉइंट निकालेंगे। मैं डायरेक्ट बताया बच्चों, हालांकि 4 कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए ये बात कर रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट हमें मिल चुका है 2 1 1 2, और डिटरमिनेंट ए हमें मिल चुका है वो 3। तो सीधे इस सूत्र का इस्तेमाल, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फार्मूला का इस्तेमाल करके हम सीधे मान प्राप्त करते हैं, तो भी हमें वही रिजल्ट मिल रहा है जो समीकरण नंबर 2 के इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें मिल रहा है। तो समीकरण नंबर 2 से जो इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा यदि है, ऐसी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि इसमें आपको कोफैक्टर्स नहीं निकालने पड़ रहे। हालांकि मैंने यहां शॉर्टकट में बताया, आपको चार कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। मान लीजिए वो तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स देता है बच्चों, लॉजिकली आप क्वेश्चन नंबर 10 को दूसरे रूप में भी समझे। यदि मैं तीन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे दूं ए और इस इक्वेशन को दे दूं, तो सवाल ही उठता कि आपको जब ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको नौ कोफैक्टर्स सहखंडज निकालने होंगे, जो काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन में है। तो ये आसान तरीका है कि हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके किसी भी तरह से ए इनवर्स को सेपरेट कर लें और ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लें, जो इस क्वेश्चन 10 के जरिए आपको मिल रहा है। पुरानी मूलभूत फंडामेंटल कंसेप्ट को समझने के बाद अब एक नई बात आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों, प्रश्न नंबर 11 के रूप में। प्रश्न नंबर 11 है प्रारंभिक संक्रियाओं विधि का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, का उपयोग करके आयु ए 1, 2, 3, -1, ये 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके रो 1 के अवयव है 1, 2 और रो 2 के अवयव है 3, -1। तो मैं पुनः ए बराबर मैट्रिक्स पढ़ रहा हूँ, बड़े ब्रैकेट में लिखा है 1, 2, 3, -1 का प्रतिलोम आयु इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात कर निम्न समीकरणों के निकाय सिस्टम को हल कीजिए, x+2y = 5 और 3x - y = 1। प्रश्न नंबर 11 का जो स्वरूप देख रहे हैं आप वो 2×2 ऑर्डर का है। आपको परीक्षा में 3×3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स पूछ सकते हैं, उसका विधि 2×2 ऑर्डर का जो इस प्रश्न में किया जाएगा वही है। और आपको फिर तीन समीकरण निकाय, तीन वेरिएबल वाले इक्वेशन के हल को पूछा जा सकता है। लेकिन प्रश्न नंबर 11 को आप ध्यान से समझकर तीन ऑर्डर का 3×3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात कर तीन वेरिएबल वाले एक्स वाई जेड वाले इक्वेशन के सिस्टम को आप हल कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 को आप ध्यान से देखेंगे। बच्चों आपके कोर्स में काफी महत्वपूर्ण है, जो CBSE में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके हम मैट्रिक्स का प्रतिलोम प्राप्त करते हैं। उसका तरीका अलग है, उसमें आप ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल कर इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आप ध्यान दें कि प्रारंभिक संक्रिया संक्रियाओं का उपयोग कर करके ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है, वो है 1, 2, 3, -1 का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ये पहले पूछ रहा है। फिर उसकी सहायता से जो दिया गया निकाय है उस इक्वेशन को x+2y = 5 और 3x - y = 1 इस निकाय को, इस सिस्टम को सॉल्व करने बोल रहा है। पहले तो ए इनवर्स निकालने बोल रहा है। तो लॉजिकली बच्चों प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके जब हम किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका तरीका अलग है। इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे आपकी ए इनवर्स इज इक्वल टू जो अभी मैं बता रहा था कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करने पर यदि क्वेश्चन कह रहा है तो इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं। आपको नॉलेज रहे कि इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे।
बल्कि लॉजिक ये है कि इसको हम इक्वेशन नंबर वन मान लें, और आपको मालूम है अभी मैंने बताया कि किसी मैट्रिक्स को यदि मैं उसके यूनिट मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लाई करूं, आई इंटू ए बराबर ए होता है। अब इक्वेशन वन ए कह रहा है, वन कह रहा है कि इसकी वैल्यू है 1, 2, 3, -1, और आई आपको मालूम है उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे हम, और ए हमें एज इट इज रखना है। ये तरीका है बच्चों, प्रारंभिक संक्रिया का जो मेथड है उसमें हम इस तरह से ही काम करेंगे। अब ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से भी ये लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड जो मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाए, और उसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल तो ये सोच रहे हैं हम कि इसको यूनिट मैट्रिक्स को बदलने के लिए ये जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये वन हो जाए। तो ये जीरो होने के लिए हम, मेरे दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में आएगा कि ये तीन है ये एक है, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम संक्रिया जो ऑपरेशन है, अप्लाइंग ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है कि सेकंड रो, ये सेकंड रो है, सेकंड रो में हम फर्स्ट रो का 3 गुना माइनस कर दें तब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आप खुद देखिए, इसका 3 गुना इसमें से घटाएंगे तो ये जीरो हो गया, इसका 3 गुना इसमें से घटाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, इसका 3 गुना 6, 6 में से -1, -6, -7 हुआ, और ये एज इट इज रहेगा। जब आपने इस संक्रिय का उपयोग लेफ्ट साइड में किया है तो इसका 3 गुना इसमें घटाएंगे, तो 0 में से इसका 3 गुना इसमें से घटाएंगे तो -3, इसका 3 गुना 0 ही आएगा तो 1 ही आएगा, और पहले वाले रो में कोई चेंज नहीं आएगा और ए में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो कुल मिला के मैंने इसको 0 बना लिया। अब बच्चों आपको मैंने ये बताया कि ये 1 आना चाहिए, तो क्या संक्रिया उपयोग में लाना चाहिए हमें? संक्रिया, ध्यान दीजिए इस पर कि मैं किस तरह से लेफ्ट साइड को यूनिट मैट्रिक्स यानी 1001 में बदलने की कोशिश कर रहा हूं लेफ्ट साइड को। तो ये तो जीरो हो गया, इसको भी 1 में बदला जाए, देखिए 1 है, यूनिट मैट्रिक्स में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। तो संक्रिया मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कि R2 को मैं 1 -1/7 कर दूं, R2 के एलिमेंट के साथ उसका इनवर्स का -1/7 से मल्टीप्लाई कर दूं, बाकी एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये 1, 2 ही रहेगा, ये 0 आ जाएगा। और आप खुद रफ में करके देखें कि -1/7 और -7 ये दोनों कैलकुलेशन होकर 1 दे देंगे, तो ये 1 हमें मिल जाएगा। और यही काम इसके साथ भी करेंगे कि इसके सेकेंड रो में हम -1/7 कर रहे हैं तो 1, 0 पहला रो वैसे ही रखेंगे, ये --+3/7 हो जाएगा और ये -1/7 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इनटू ए तो वैसे ही रहेगा। अब हमें ये 0 आना चाहिए, तो मेरे दिमाग में एग्जामिनेशन में हॉल में ये क्या आएगा कि मैं किस संक्रिया का ऑपरेशन का उपयोग करूंगा कि मैं R1 में R2 का दुगना का माइनस करूंगा, इसका दुगना इसमें माइनस करूंगा, तो इसका 1 का दुगना 2 और 0 का दुगना तो 0 आएगा, तो ये 1 ही रहेगा, तो इसका दुगना मैं इसमें माइनस कर दूंगा तो मुझे रिजल्ट यूनिट मैट्रिक्स मिलने की संभावना है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मैं यूनिट मैट्रिक्स बना रहा हूं, अच्छे से समझिए बच्चों। प्रारंभिक संक्रिया से 3 ऑर्डर में तो और मुश्किल काम है, 2 ऑर्डर में तो कम से कम हमको 4 एलिमेंट के साथ ही जोड़ तोड़ करना है। तो फर्स्ट रो में हम सेकंड रो को का दुगना घटाएंगे, तो इसका दुगना 0 ही रहेगा, इसमें घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और इसमें 2 में से इसका दुगना घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 -2, ये 2 -2 आया, इसका दुगना 2, 2 में से 2 को घटाया तो 0 आया।
और ये एज इट इज है, तो देखिए बच्चों ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया, और यही कार्य इसमें भी करना है। तो आप चूंकि ये अपान में आ गया है और इसका दुगना हम इसमें घटा रहे हैं, तो 1 माइनस ये इसका दुगना हम 6/7 कहे पहले एलिमेंट के साथ, और 0 के साथ इसका दुगना घटाए तो माइनस माइनस प्लस 2/7, और ये एज इट इज रहेगा 3/7 और -1/7 एज इट इज रहेगा, और ये ए अपने जगह रहेगा। जिस संक्रिया का उपयोग किया जा रहा है आप सावधानी से देखें, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये यूनिट मैट्रिक्स में लेफ्ट साइड का पोर्शन यूनिट मैट्रिक्स में दो ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स में बदल चुका है। अब इसका कैलकुलेशन में 7 + 7, 7 में से 6 गया 1/7, और ये 0 में 2/7 जोड़ेंगे तो 2/7, और ये 3/7, और ये -1/7। तो ये कुल मिला के ये ए है, इसमें 1/7 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो 1/7 कॉमन निकाल लें, और अंदर बचेगा 1, 2, 3 - 1, और ए बाहर है। तो कुल मिला के मुझे ये मिल गया कि आई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, आई ये तो आई है, आई इज इक्वल टू 1/7, और ये है 1, 2, 3 - 1 ए। तो इस कंप्लीट पोर्शन को ए इनवर्स हम कह सकते हैं, तभी ये पॉसिबिलिटी है। तो जो मैंने घेरा है 1/7 और 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का 1, 2, 3 - 1 को, वो ए इनवर्स है और इनटू ए है। ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू ही आई होता है, तो इससे स्पष्ट है। फिर से आप ध्यान दें, आई इज इक्वल टू इसके स्टेप पर ये पूरा जो मैंने घेरा है वो वाला पोर्शन ए इनवर्स है इनटू ए है। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये घेरे वाले पोर्शन को हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स की वैल्यू 1/7 1, 2, 3 - 1 है। ये प्रारंभिक संक्रिया से हमने इस कैलकुलेशन को प्राप्त किया। बच्चों चाहो तो आप वेरिफिकेशन यहां देख सकते हैं कि मैं इस सूत्र का इस्तेमाल यदि करता कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, मुझे मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है, इसका एडजॉइंट निकालता तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता, इसका रिजल्ट क्या मिलता, ए इनवर्स इज इक्वल टू यदि मुझे ये रिजल्ट है, चलो ठीक है मान लिया हमने कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए है, इसका एडजॉइंट निकालता तो मुझे मिलता -1, इंटरचेंज करेंगे इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को -1, 1, और इसके चिन्ह को उल्टा कर देंगे, यह है एडजॉइंट। और डिटरमिनेंट ए इसका निकालते तो 3, 2, 1 + 1 - 1, और 3 × 2 = 6 - 6। मैं शॉर्टकट में वेरिफिकेशन कर रहा हूं कि ये रिजल्ट सही है कि नहीं। तो आप देखिए इसमें माइनस कॉमन निकाल दें हम, तो ये माइनस कॉमन है तो 1, 2, 3 - 1 अपॉन नीचे -7 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/7 इज इक्वल टू हमें 1, 2, 3 - 1, वही रिजल्ट ए इनवर्स का मिल रहा है जो हमारे मुख्य रूप से आंसर में है, जो प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके हमने काम किया। तो प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके करने का तरीका जो मैंने बताया कि किसी भी तरह से हम a इज इक्वल टू i इंटू ए का इस्तेमाल सभी प्रश्न में करते हैं, चाहे वो 3 ऑर्डर का हो, चाहे
दो ऑर्डर कहो और एज इट इज उसकी नकल कर देते हैं जो मैट्रिक्स गिवन है, और लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में बदलने की कोशिश करते हैं और राइट साइड उसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करते जाते हैं, तो हमें सीधे ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है। ये लॉजिक है बच्चों, उस लॉजिक को आप पकड़ेंगे तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, आपको हमने कैलकुलेशन प्रारंभिक संक्रिया के आधार पर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 1, 2, 3 माइनस 1 कैलकुलेशन करके बताया, और ये रिजल्ट को वेरिफिकेशन करके भी बताया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, चाहे हम एडजॉइंट ऑफ ए, ए का सहखंडज और डिटरमिनेंट ए से भी करते तो रिजल्ट वही है। अब बच्चों, मुझे इन इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को मैं 2 और 3 कह दूं, इस इक्वेशन को फिर से हम उतार लेते हैं, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इसका इस्तेमाल करके इन इक्वेशन के सिस्टम को मुझे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, और 3x माइनस y इज इक्वल टू 1 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इस समीकरण निकाय के समीकरण कौन से, 2 और 3 के निकाय सिस्टम को, निकाय को ए इनवर्स जो आपका मिला, जिसको मैं समीकरण नंबर अल्फा कह दे रहा हूं, क्योंकि 2 और 3 नंबर डाल चुका हूं इसलिए मैं इसको अल्फा कह रहा हूं। समीकरण ए इनवर्स के सहायता से हम सॉल्व करेंगे। निकाय को ए इनवर्स जो निकला है उसकी सहायता से उसको सॉल्व करेंगे। निकाय को ए इनवर्स की सहायता से हल करेंगे। अब वो हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, ये अलग मुद्दा है। आप समीकरण नंबर 2 और 3 को आप ध्यान से ध्यान दीजिए। इस समीकरण नंबर 2 और 3 के निकाय को यदि मैं आयु रूप में लिखूं, समीकरण नंबर 2 और 3 का जो आयु रूप है, मैट्रिक्स फॉर्म है, आयु रूप है, कैसा होगा आयु रूप इसका, ये 2 और 3 का, हम x के सामने का गुणांक 1, 2 लेंगे, ये 3 ऋण 1 लेंगे, ये देखिए सेम इसके जैसा नजर आ रहा है, और ये एक्स वाई लेंगे इज इक्वल टू 5 और 1 दिख रहा है, तो ये मैट्रिक्स 5 और 1 होंगे। यानी कुल मिला के समीकरण नंबर 2 और 3 को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। आप सवाल ही उठता, साइड में भी थोड़ा सा रफ करके देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपको ये देखिए 1 + 1 एक्स प्लस 2y, और इस रो का 3 सेकेंड रो का, और इसके ये कितने ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का है, ये कितना है 2 × 1 ऑर्डर का है, ये कितना है 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर ये देखिए इसके फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, कॉलम की संख्या इसके कॉलम की रो की के बराबर है, तो मिलने वाला रिजल्ट 2 × 1 ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये एक एलिमेंट है, और 3 × 3x ऋण y रो का, सेकंड रो का मैं इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रफ करके वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये भी एक एलिमेंट कहलाएगा, ये 2 × 1, ये देखिए 1 और 2 रो है, कॉलम है, एक ही अवयव है, और इधर क्या है, ये भी 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसकी यदि मैं तुलना करूंगा तो एक्स प्लस 2y बराबर 5, ये देखिए, और 3x माइनस y बराबर 1
आपको ये दिख रहा है। तो इन इस मैट्रिक्स फॉर्म में ये कैसे बदला, इसका गुणा करके मैंने रफ करके आपको दिखाया है और वेरीफाई। हालांकि एग्जाम में इसको करने की आवश्यकता नहीं है, और चूंकि आप प्रारंभिक रूप से आप पढ़ रहे हैं तो मैं वेरीफाई करके बता रहा हूं कि इसका जो समीकरण नंबर 2 और 3 है उसका मैट्रिक्स फॉर्म कैसे वापस इक्वेशन को दे देता है। तो सवाल ही उठता कि ये जो है आपका ए मैट्रिक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया था। आप ध्यान से देख ले, ये देखिए ए से मिलता जुलता है, इनटू इसको मैं कैपिटल एक्स मान लेता हूं, इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स को हम बी मान लेता हूं, यानी कुल मिला के ए बराबर मैंने माना नहीं है, क्वेश्चन में दिया है वो 3 और ऋण 1 है, और एक्स मैंने माना है उसके एलिमेंट है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये कैपिटल एक्स है, और कैपिटल बी जो है वो आपको क्लियर कट दिखा है 5 और 1। तो सवाल ही उठता कि मुझे एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, इस समीकरण को हल करने के लिए कहा गया है, ए इनवर्स का इस्तेमाल करना है, तो मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिल सकता है ए इनवर्स इनटू बी, और इसको यदि मैं एसोसिएशन लॉ लगा दूं और एक्स को बाहर कर दूं तो ए इनवर्स इनटू बी मिलता है। ए इनवर्स इनटू ए आई होगा इनटू कैपिटल एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स इनटू बी मिलेगा, आई का एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स मिलेगा, तो ए इनवर्स बी मिलेगा। एक्स क्या है आपको पता है, एक्स और वाई, और ए इनवर्स क्या है हम निकाल चुके हैं 1/7, और आप खुद देखिए 1, 2, 3, -1, और बी क्या है आपको 5 और 1 दिया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई 1/7 हम रखे रहेंगे, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 5 और 2 7। ये देखिए फर्स्ट रो का इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 एकम 5 2 एकम 2, 5 और 2 7, 3 × 3 = 15, 3 × 5, ये देखिए सेकेंड रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो संगत अवयव 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 14। अब जब मैं इस 7 का 1/7 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है, इसके अगले स्टेप को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एक्स वाई इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, 7/7 और 14/7, और 7 में 7 का भाग देंगे 1, 7 में 14 का भाग देंगे 2, तो मुझे मैट्रिक्स दोनों पक्षों का फॉर्म एक्स इज इक्वल टू 1, 2, और संगत अवयवों का इस्तेमाल यदि मैं करता हूं तो एक्स बराबर इसके फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट, इसके फर्स्ट एलिमेंट से तुलना करेंगे तो एक्स बराबर 1, और इसकी तुलना सेकंड एलिमेंट से करें तो वाई बराबर 2। तो जो रिजल्ट मुझे मिला ए इनवर्स का इस्तेमाल, जो मैंने ए इनवर्स प्रारंभिक संक्रियाओं की मदद से निकाला वो समीकरण नंबर अल्फा में है, इसका इस्तेमाल हमने किया, इसका इस्तेमाल करके हमने एक्स और वाई को कैलकुलेशन किया, मतलब इस समीकरण के निकाय को हल किया जिसका रिजल्ट 1 और 2 है। और वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन हॉल में करना है तो एक समीकरण को संतुष्ट करके देखें बच्चों, एक्स प्लस 2y = 5 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, और 2y की वैल्यू 2 × 2 = 4, 5 = 5 मिल रहा है, इसका मतलब एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2, निश्चित रूप से हमारा रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% राइट है। तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, कम से कम एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देख लीजिएगा, ये लंबे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बच्चों बोर्ड में, जब मैट्रिक्स मैट्रिक्स से दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को या एक्स वाई जेड
तीन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका प्रारंभिक संक्रियाओं से ए इनवर्स ज्ञात करना, उसकी सहायता से तीन वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करना, उस सिस्टम को सॉल्व करना काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसे आप ध्यान रखेंगे।